दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। आज है 22 सितंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट रेलवे से आई है कि रेलवे में 80,000 पदों पर भर्ती होगी। पिछले 8 साल में पहली बार रेलवे बोर्ड ने नई परिसंपत्तियों के अनुपात में भारतीय रेल में नए पदों के सृजन करने को पहल की है। नई ट्रेनें और मालगाड़ियां, नई रेल लाइनें, सेमी हाई स्पीड ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम, टक्कर रोधी नई तकनीक, कवच, विद्युतीकरण आदि के रखरखाव, मरम्मत और सुरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए भारतीय रेल में 80,000 से अधिक नए पदों का सृजन हो सकता है। भारतीय रेल में 61,529 खाली पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया 2024 तक पूरी कर ली जाएगी। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग में अधिकांश नए पदों का सृजन रेल संरक्षा वर्ग में किया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से सिग्नल एंड टेलीकॉम, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक, ट्रैफिक और बहुत सारे और पदों पर जो है पदों का सृजन किया जाएगा। गैंगमैन, कीमैन, ट्रॉलीमैन, हेल्पर, पॉइंटमैन, सहायक स्टेशन मास्टर, पोर्टर, सिग्नल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आदि नए पदों का सृजन करके नियुक्तियां की जाएंगी। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में रेलवे में 80,000 पदों पर भर्ती होने की संभावना है और इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि पदों का सृजन किया जाएगा। वर्तमान में 61,000 से ज़्यादा जो पद खाली है उस पर भर्ती चल रही है। इनका कहना है कि दिसंबर 2024 तक ये खाली पदों पर भर्ती हो जाएगी, इसके बाद 80,000 पदों पर आने वाले समय में भर्तियों की तैयारी है। तो आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट रखिएगा, जारी रखिएगा ताकि जैसे भर्ती आए आपको अच्छा मौका यहाँ पर मिल पाए। इसके लिए देखिए बताया कि वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया। इसके बाद रेलवे में नए पदों के सृजन के लिए वित्त मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व CEO सतीश कुमार ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है। बढ़ते हैं लोक सेवा आयोग की तरफ। यहाँ पर अपडेट है कि देखिए सितंबर का तीसरा सप्ताह बीता, 109 पदों पर भर्ती का इंतजार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सितंबर के दूसरे सप्ताह में 9 प्रकार के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में था। इसके लिए आयोग ने 4 सितंबर को संभावित भर्तियों की सूची जारी की थी। 1 सितंबर का तीसरा सप्ताह भी बीत चुका है और अभ्यर्थियों को भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। आयोग को कुल 109 पदों पर सीधी भर्ती शुरू करनी है। इसके लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह में विज्ञापन निकालने का प्रस्ताव था। आयोग के सूत्रों का कहना है कि सितंबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह में कई छुट्टियां पड़ गई हैं। इस दौरान होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 और होम्योपैथी आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 परीक्षा कराई गई। इस वजह से नई भर्तियों के विज्ञापन जारी नहीं किए जा सकेंगे। सूत्रों के अनुसार इसी महीने के अंत तक ये विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। जिन विभागों में भर्तियाँ प्रस्तावित हैं उसमें उच्च शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश होम्योपैथी विभाग और उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी शामिल हैं। तो इनमें भर्तियां देखने को मिलेंगी इसी महीने। इसके साथ ही लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। शनिवार को ये परीक्षा 18 सितंबर को लखनऊ के विभिन्न केंद्रों में कराई गई थी। आयोग जो है आयोग की वेबसाइट पर ये उत्तर कुंजी 27 सितंबर तक अवेलेबल रहेगी। जो भी अभ्यर्थी देखना चाहें वो देख सकते हैं। देखिए अपडेट है कि DIO से प्रधानाचार्यों की लापरवाही से 17,616 मेधावियों की छात्रवृत्ति रुकी। प्रदेश भर में 17,616 गरीब मेधावियों की छात्रवृत्ति DIO से प्रधानाचार्यों की लापरवाही से रुकी हुई है। आवेदनों पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। शुक्रवार को लखनऊ में शिक्षा मंत्रालय के अफसरों ने सभी DIO की बैठक बुलाई। इसमें कहा गया कि प्रक्रिया को 30 सितंबर तक हर हाल में पूरा करें। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मेधावियों की मदद के लिए एक दशक पहले IIM योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी। इस छात्रवृत्ति के लिए 7वीं में 55% अंकों से उत्तीर्ण विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष 5 अगस्त से 5 सितंबर तक इसके लिए फॉर्म भराए गए। इसकी परीक्षा 10 नवंबर को करवाई जाएगी। वहीं पर पिछले साल जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे उसमें से करीब 16,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इस वर्ष फॉर्म भरे हैं और उनको इस योजना के तहत साल में 12,000
और महीने का 1,000 रुपये कक्षा 9 से 12 तक हर साल मिलता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो साल में 12,000 और 4 सालों का 48,000 रुपये छात्र को यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर छात्रों की तरफ से आवेदन किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें प्रधानाचार्य और DROs की लापरवाही के कारण ये आवेदन आगे फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से सारे जो बच्चे हैं परेशान हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र को लेकर के अपडेट की प्रबंधकीय विवाद वाले विद्यालय नहीं बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। आपको बताया था मैंने कि 25 सितंबर से परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इस बार इसमें काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अभी तक विद्यालय में 1500 विद्यार्थियों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाता था, एक सेंटर में 1500 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे, लेकिन अब इस बार अधिकतम 2000 विद्यार्थियों का ही सेंटर बनाया जाएगा, लेकिन न्यूनतम यहाँ पर जो बच्चे रहेंगे वो 250 ही रहेंगे। ठीक है, तो इसको लेकर के 25 सितंबर से प्रक्रिया शुरू हो रही है और परीक्षा केंद्र बनाए जाने की तैयारियां शुरू हैं और इसमें जो प्रबंधकीय विवाद वाले विद्यालय हैं उनको इस बार परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम रखे जाएंगे। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि स्टाफ नर्स अब नर्सिंग अफसर कहलाएंगी। नर्सिंग संवर्ग, फार्मासिस्ट संवर्ग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के विभिन्न पदों के संबंध में मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर लिए गए निर्णय के संबंध में शनिवार को वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें अब स्टाफ नर्स का पदनाम संशोधित करते हुए नर्सिंग अधिकारी कर दिया गया है। इनके वेतन मैट्रिक्स लेवल को यथावत रखा गया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शासनादेश जारी किए। नर्सिंग संवर्ग में नर्सिंग सिस्टर, नर्सिंग वार्ड मास्टर को सीनियर नर्सिंग अधिकारी पदनाम दिया गया है। सहायक नर्सिंग अधीक्षक, उप नर्सिंग अधीक्षक तथा मुख्य नर्सिंग अधिकारी के पदनाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र सरकार की तरह नर्सिंग अधिकारी के पद पर भर्ती के नर्सिंग में BSc ऑनर्स के साथ 6 महीने का अनुभव, नर्सिंग में डिप्लोमा, 2.5 साल के अनुभव की अर्हता निर्धारित की गई है। सूचना एवं जनसंपर्क में संरक्षक, केयर टेकर को आवश्यकता के आधार पर अलग से बनाए रखने की जरूरत पर विभाग से विचार करने को कहा गया। ऐसे में ऐसे पदों को समाप्त करने को कहा गया जिनकी उपयोगिता नहीं रह गई है। तो कुल मिलाकर के अब नाम बदल दिया गया, स्टाफ नर्स की जगह इनको नर्सिंग अफसर कहा जाएगा और इनका वेतन वगैरह कोई भी नहीं बदला, सिर्फ नाम बदला गया है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल नौकरियां तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन जो लोग विदेश जाकर के नौकरी करना चाहते हैं या लेबर वाला काम करना चाहते हैं उनके लिए मौका यहां पर है। देखिए लिखा है निर्माण श्रमिकों को इजराइल में फिर से रोज़गार का मौका मिलने वाला है और इसके लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, यानी कि हो चुकी है। इसमें क्या है कि जो निर्माण श्रमिक होते हैं वो लोग विदेश यानी इजराइल जा कर के वहाँ पर नौकरी करेंगे। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और इसके लिए 1,37,500 रुपये का उनको पेमेंट मिलेगा और कम से कम 2 साल वहाँ पर रहना होगा। तो उत्तर प्रदेश में नौकरी तो है नहीं, जो लोग विदेश जा कर के लेबरगिरी का काम करना चाहें उनके लिए यहाँ पर मौका है। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार है, जान पहचान का है, जो लोग जाने का इच्छुक है तो इसमें आवेदन कर सकता है। इसके बारे में देखिए बताया गया कि प्रदेश के निर्माण श्रमिकों को इजराइल में फिर काम करने का मौका मिलेगा। भारत व इजराइल के बीच हुए समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के फ्रेमवर्क शटरिंग कारपेंटर व सिरेमिक टाइल श्रमिकों के लिए रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण आरंभ हो गया है। चयनित निर्माण श्रमिकों को 1,37,500 रुपये वेतनमान पर 2 वर्षों के लिए इजराइल भेजा जाएगा। इजराइल जाने वाले श्रमिकों को बीमा कवर, अनुभव प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। तो इसमें बोला गया है कि आयु सीमा जो है 25 से 45 वर्ष रहेगी और आवेदक के पास कम से कम 3 साल की वैधता का पासपोर्ट और अपने क्षेत्र में काम करने का कम से कम 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। जो भी इच्छुक लोग हैं, वेबसाइट दी गई है rozgarsangam.up.gov.in, यहाँ पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इस हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर सरकार जांच परीक्षण करके सारे चीज़ें चेक करके इनको इजराइल भेज देगी और वहाँ पर 2 साल कम से कम काम करना रहेगा, उसके बाद स्वदेश लौटने का मौका मिलेगा और अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अंत में यहाँ पर सूचना है कि ऑनलाइन गेम खेलने में बिहार देश में अव्वल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया सर्वे।
तो ऑनलाइन गेम खेलने में बिहार देश भर में पहले स्थान पर है। राज्य के लगभग 79% जो किशोर छात्र हैं या किशोर युवा हैं वो लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 7 साल से 17 साल आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं। तो 7 से 8 घंटे औसतन ऑनलाइन गेम खेलते हैं प्रतिदिन। और रिपोर्ट में खुलासा किया गया 2 लाख बच्चों पर पूरे देश भर में ये सर्वे किया गया है। और इस सर्वे के माध्यम से पता चला कि लगभग 79% जो युवा हैं जो किशोर हैं वो ऑनलाइन गेम खेलते हैं और गेम खेलने के चक्कर से इनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बहुत से युवा कर्ज में डूब रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन गेम एक सट्टेबाजी होती है। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।